और अब मारवाड़ी में आवे रहे हो तो वो टिकटरी लाज आपने राखनी है। मारी ताकत आप हो, आपरे पीछे मुंह हो, तो मैं 36 कोम रे लोगों से निवेदन करूं कि मुंबई ने मैं जरी भी जरूरत पड़ी, जन टाइम में भी जरूरत पड़ी, प्रवासी और वास्ते वन टाइम में रात ने देखी, दिन ने देखी, जात ने देखी, पार्टी ने देखी, मु रात्रो 3 बजे 2 बजे जरे भी बुलायो मैं हाजिर हूं। तो ओ मारो निवेदन है कि आवा वाला समय में बार 21 तारीख ने आप सब तन मन धन दी, हर आदमी हीरा देवासी बन जाओ, घर घर जाओ और सबको बोलो और ये सरकार के बारे में बताओ। और क्या नीचे की लेवल पे कोई विकास हुआ नहीं है? हाँ, मलबार हिल का विकास हुआ है, जरूर हुआ है, लेकिन विधायक जी का, लोढ़ा जी का हुआ है। मलबार हिल की जनता अभी भी वंचित है विकास से, उनके बड़े बड़े टॉवर बने हैं, विकास हुआ है उनका, लेकिन मलबार हिल का नहीं हुआ है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और अशोक जी गहलोत साहब यहाँ पधारे हैं, मैं उनको तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उनका इतना कीमती समय निकाला है। साहब की 2 दिन से थोड़ी तबियत नरम है, तो भी साहब हर जगह पे रैली ले रहे, पार्टी के लिए कार्यकर्ता हर जगह पे जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए सीएम साहब जा रहे हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से सीएम साहब का आभार प्रकट करता हूँ। अमीन भाई, तो अमीन भाई के लिए तो ज्यादा बोलने की बात नहीं, आप सबको पता है वो तो हर टाइम नंबर 1 आते हैं, काम में नंबर 1, टिकट में जब चुन के भी नंबर 1 आते हैं और अभी हैट्रिक करने जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी प्रवासी भाई मिलकर अमीन पटेल जी को मुंबा देवी से और भाई जगताप जी को कुलाबा से 101% सीट निकालनी, मतलब कि मेरा तो तुमको पता ही है, मेरी तो निकालनी है, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा बोले तूने बोला ही नहीं तेरा कुछ भी, तो ऐसा मत करना, मेरा पीछे मत रखना, ये है तो इनके पीछे मैं भी हूँ, तो मेरे ऊपर भी ये आशीर्वाद रखना। और एक बार मैं फिर से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं राजस्थान से पधारे अशोक जी गहलोत साहब, अविनाश पांडे जी, रघु जी शर्मा, पुखराज जी, पारसर जी, रतन जी देवासी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। पूरी मुंबई प्रवासी समाज की ओर से, पूरी राजस्थानियों की ओर से तहे दिल से राम राम सा, बहुत बहुत धन्यवाद।